टीवी पे बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, अभी संगीत के प्रोग्राम आने लगे हैं, नए नए बच्चे आते हैं बेचारे गाने के लिए, कहाँ कहाँ से आते हैं उनके बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, ऐसे खड़े हो जाते हैं और उनके लिए कुछ भी कमेंट करो आप और उनके ऊपर कमेंट पास होते हैं, ये जो अल्फाज है, अल्फाज का जो मसला है उसकी जो आजादी है, अल्फाज को जो आजादी है, अल्फाजों का अपने मायना होता है अल्फाज, अरे क्या अल्फाज यार, अपने तो अल्फाज बताओ क्या थे। बड़े अच्छे अच्छे गुरु आते थे बच्चों को सुनने के लिए, सिंगर को सुनने के लिए, और बेचारा कितने बुरा गाए लेकिन ये तारीफ ही करते थे हमेशा, सिंगर ने गाना गाया कोई रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, गुरुजी शुरू, वाह बेटा क्या गाते हो, हाँ ऐसी गाते हो, इतना ही गाते हो बेटा, वाह 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 बहुत अच्छे बेटा, वाह शुरू में जो तुमने जगह छोड़ी ना बेटा उसको पकड़ लो, वो तुमने फिर हर लाइन में छोड़ी बेटा, उसको मेंटेन कर लो, बाकी बहुत अच्छा गाते बेटा, वाह बहुत अच्छा गाते बेटा। लगा लिया एक मार लिया पैक। अभी आगे चल के ऐसा होगा कुछ, आपने और भी प्रोग्राम देखे होंगे, मुंहफट जैसे आ गए, मुंहफट सिंगर की तारीफ ही नहीं करते, कितना भी अच्छा गाया बेचारा उसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे, अपनी होशियारी तो दिखाएंगे, क्या गाया तूने ये गाना था क्या, क्या गाया तूने, क्या गाया तूने, और ये कपड़े कौन से पहन के आए मेरे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म में दाढ़ी क्यों गाया तूने, समझ में नहीं आती वकली क्या, क्या गाया तूने, साहब गाना गाना था ये, ऐसा गाना होता है क्या, हाँ लायक ही है इस प्रोग्राम में गाने की, तू वहां पर ये कहां पर गड़बड़ हुआ था, बाजू बता दो सुर में, सुर में जो गया था तू बेटा, तू तू प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस कर, तू जा निकले है सर आगे चल के ऐसा प्रोग्राम आएंगे आप देखिएगा, उसमें बात करने वाले कम आएंगे, हाथ उठाने ज्यादा आएंगे, जजेस सिंगर ने कोई गाना गा दिया बेचारे ने, मजट यमला पगला दीवाना, मजट यमला पगला दीवाना, क्या था ये, क्या था गुरुजी, क्या था ये, हाँ फुटबॉल फुटबॉल खेल रहा है क्या, वो मेरे गाड़ी में छिड़ी ले, छिड़ी ले साला बेसुरे, गाएगा तुम्हारा गाना साला संगीत, ठगे ठगे मार मार के, दूसरा कौन है, बाकी सब भाग गए, पिछले दिनों से मैं काफी परेशान हूँ एक ऐड को देखकर, वो है टेलीब्रांड का ऐड वो इंग्लिश लोगों पे हिंदी की जो डबिंग होती है बॉडी को पतले से दुबला किया जाए, गंजे के सर पे बाल लाया जाए, गोरे को काला किया जाए, काले गोरा किया जाए, कुछ लोग जिम कर रहे बीच में, हेलो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कितने लोग यहाँ पे तरक्की कर रहे हैं और इस प्रोडक्ट से कितना फायदा हो रहा है, मैं आप लोगों को मिलाना चाहती हूँ हवाई जहाज में उड़ने वाले पायलट मिस्टर मार्टिन से, मार्टिन आपका स्वागत है, मार्टिन मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर, किस तरह से तुमने ये अपने आप को शेप मिलाया, वेल मुझे नहीं लगता था कि शायद होगा, अब मुझे काफी फायदा हो रहा है, इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद मैं हवा में उड़ने लगा, काफी फायदा हो रहा है मुझे,
वेल मैं नहीं जानता था कि ऐसी कोई दवा हो सकी, ये अद्भुत है, काफी फायदा हुआ है मुझे। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई असरदार चीज हो सकती है। वेल ये हवा में जब उड़ता हूँ तो काफी फायदा हो। तुम हवा में उड़ते क्यों हो? क्योंकि मैं पायलट हूँ, मुझे काफी फायदा होता है। और ये भी है कि इसमें काफी सारी दवाएं और भी आई है, जैसे कि याददाश्त की दवा, इसको पीने से आदमी की याददाश्त बहुत शार्प हो जाती है। मुझे 20-20 साल पुराने आज भी किससे याद आ गए हैं इस दवा की वजह से। तो फिर मार्टिन शायद आपको ये भी याद आया होगा कि पिछले साल मैं आपको 1000 रुपए उधार दिए थे, फिर चली गई मेरी याददाश्त। वो मोटे को दुबला किया जाए, दुबले को मोटा, उसके लिए मैं काफी परेशान हो गया था। मुझे नहीं लगता था कि कभी मैं दुबला हो पाऊंगा, मैं बहुत मोटा हो गया था। मेरी बीवी शादी से पहले मुझसे कहा करती थी कि आओ स्वामी, बाद में मुझे कहने लगी आओ अदनान स्वामी। नहीं नहीं नहीं, मेरा इलाज होना मुश्किल था, मैं काफी प्रॉब्लम में आ गया था। मेरा कुछ नहीं हो सकता था, मैं काफी मोटा हो गया था। ऑटो वाले मुझे ऑटो में बिठाने से इनकार करते थे, कहते थे कि आप तो ट्रक की सवारी है। डॉक्टर ने कहा कि 10 किमी काटा करो, तुम किमी काट करके दुबले हो जाओगे। थैंक्स टेलीब्रांड, मुझे काफी फायदा हुआ, मैं बहुत दुबला हो गया हूँ। अब मेरे सामने मेरे बीवी से लोग पूछते हैं कि भाभी वो सांड कहाँ गया, मर गया क्या? कभी कभी हम लोग देखते हैं साउथ की फिल्में हिंदी में डब होकर आती है, उनकी डबिंग देखिए आप। दीवार का सीन याद कीजिए, दो भाई बात कर रहे हैं आपस में, अब ये पहले तो तमिल में आएगी और फिर इसकी हिंदी में डबिंग होगी, तो वो कैसे होगा? पहले तमिल में देखिए, दोनों भाई आ रहे हैं, शशि कपूर अमिताभ बच्चन, उनके शशि कपूर अमिताभ बच्चन। और दूसरा जो उसका भाई अमिताभ बच्चन लुंगी पे खड़ा है, ए पिल्ला वेड़े सिस्तर ले, वो बोलेगा अन्ना நீ போலீஸ் பாயில் வந்துருக்கலே, அப்ரஜஸ்டர் சபலி மாணவர்களே, நின்ன ஸ்மகலர் வந்த அண்ணா சைன் வந்துருக்கலே, ஏன் பிரஜஸ்டர் வடகிறே 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 நீ தரக்கலே சைன் வரலே, ஏய் நின்ன பாலத்துல பில்லா சைன் வந்துருக்கலே, ஈ மாத்ருமே ஜஸ்டர் வடகிறே, ஈ ஈ ஈ தர்த்தி மா மாத்ருமே இந்த வடகிறே, நின்ன அம்மா இட பந்த பில்லா, ஆ அம்மா அம்மா அம்மா। अब ये फिल्म जब हिंदी में डब हो गई, वो आ गया भाई क्या बात है, आज तो कुछ काफी परेशान लग रहा है ये। हाँ ना, मुझे पुलिस की फाइल में मिला है आपका नाम, उस पे साइन कराओ। नहीं, तू क्या मुझे साइन करवाएगा रे, जब ये न्यायमूर्ति अपने न्याय से बदल गया, माँ मेरी मर गई, अब तू क्या साइन करवाएगा रे? हे अन्ना साइन करना पड़ेगा, निन्ने पाड़ पत्र ले अपना, हे ये हिंदी पिक्चर है।